नमस्कार, मैं राजकिशोर बिष्ट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज हम रिकरेंस रिलेशन सीखेंगे। आइए, इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे यह देखते हैं। सर्वप्रथम, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है और कैसे इसे प्रयोग करेंगे यह आप सीखेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, साधारण तथा स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल में क्या अंतर है यह आप सीखेंगे। रिकर्सन क्या है तथा फंक्शंस को कैसे रिकर्सिवली डिफाइन किया जाता है यह सीखेंगे। रिकरेंस रिलेशन क्या है तथा कैसे इन्हें सॉल्व किया जाता है यह सीखेंगे। सर्वप्रथम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रारंभ करते हैं। माना कि Pn एक स्टेटमेंट है जो कि n नेचुरल नंबर्स पर आधारित है। यदि P1 ट्रू हो तथा जब Pk ट्रू हो तब Pk+1 भी ट्रू हो तो Pn सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा। यहाँ पर n=1 बेस वैल्यू है तथा यह एक से अलग भी हो सकती है। दूसरा स्टेप इंडक्टिव स्टेप कहलाता है। इस प्रिंसिपल को प्रयोग करने के लिए पहले हम Pn को बेस वैल्यू पर ट्रू दिखाते हैं तथा फिर मान लेते हैं कि Pn n=k के लिए ट्रू है तथा प्रूव करते हैं कि Pn n=k+1 के लिए भी ट्रू है, क्योंकि हमने फंक्शन को बेस वैल्यू या n=1 के लिए ट्रू प्रूव किया है। अतः n=1 इंडक्टिव स्टेप में रखने पर Pn n=2 के लिए भी ट्रू प्रूव होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहने पर Pn सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू प्रूव होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। हमें प्रूव करना है कि 2^n लेस देन फैक्टोरियल n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। माना Pn एक स्टेटमेंट है 2^n लेस देन फैक्टोरियल n। यहां पर बेस वैल्यू 4 है। पहले हमने n=4 के लिए 2^n का मान निकाला जो कि 16 होगा तथा फिर फैक्टोरियल 4 का मान निकाला जो कि 24 होता है। क्योंकि 16 लेस देन 24 होता है अतः Pn बेस वैल्यू n=4 के लिए सत्य है। अब हमने माना कि Pn n=k के लिए ट्रू है, अर्थात 2^k इज लेस देन फैक्टोरियल k। अब हमने इस हाइपोथेसिस को प्रयोग करते हुए यह दिखाया कि 2^k+1 लेस देन फैक्टोरियल k+1। यहां पर हमने 2 को k+1 से रिप्लेस किया क्योंकि k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, अतः जो संख्या 2 से कम होगी वह k+1 से भी कम होगी। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि Pn सभी नेचुरल नंबर्स जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है के लिए ट्रू है। कभी कभी किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अपर्याप्त होता है, अतः हम स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रयोग करते हैं। इसमें इंडक्टिव स्टेप में n=k के बजाय हम k से पूर्व की कुछ वैल्यूज के लिए Pn को ट्रू मान लेते हैं तथा Pn को n=k+1 के लिए प्रूव करते हैं। उदाहरण के लिए फिबोनाकी सीक्वेंस को यदि आप लें, यहाँ a1=1, a2=1 तथा an=1 + an-2 फॉर n>= 3 के लिए दिया हुआ है। हमें यह प्रूव करना है कि an इज लेस देन 2^n। यहाँ हमने n=1 तथा n=2 के लिए दिखाया है कि Pn ट्रू है। यहाँ पर ak+1 पूर्व की दो वैल्यूज ak तथा ak-1 पर डिपेंड कर रहा है, अतः साधारण प्रिंसिपल से हम केवल ak को ही ट्रू मान के चलते, जबकि यहां हमें ak-1 के लिए भी ट्रू मानने की आवश्यकता है। अतः स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हम प्रयोग करेंगे। हमने माना कि Pn 1 से k तक सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है जहां k>= 2 है। अतः ak<2k तथा ak-1 is less than 2^k-1।
इन दोनों को प्रयोग करते हुए हमने दिखाया कि ए के प्लस वन इज लेस देन 2 raised to power k+1, अतः पीएन सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा। आइए रिकर्सन को समझते हैं। किसी विधि में स्वयं उसी ही विधि की पुनरावृत्ति अर्थात रिपीटिशन यदि हो जाए तो उसे हम रिकर्शन कहते हैं तथा उस विधि अर्थात प्रोसेस को रिकर्सिव प्रोसेस कहते हैं। रिकर्सिव डेफिनेशन में मुख्यतः दो स्टेप होते हैं। नंबर वन बेसिस स्टेप, यहां पर फंक्शन को बेस वैल्यू के लिए डिफाइन किया जाता है। दूसरा रिकर्सिव स्टेप, यहां पर पुरानी वैल्यूज से नई वैल्यूज निकालने के लिए रूल्स डिफाइन करते हैं। उदाहरण के लिए एक सीक्वेंस लेते हैं 0 2 4 6 8। यहां पर हम देखते हैं कि बेस वैल्यू 0 है तथा सीक्वेंस की अगली टर्म पिछली टर्म में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। यदि सीक्वेंस को 1 से गिनना शुरू करें तो इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन an=0 n=1 के लिए तथा an=2 2+an-1 for n > 2 ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं। n=1 की जगह n=0 से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो रिकर्सिव डेफिनेशन पर आधारित होती है अथवा ऐसी इक्वेशन है जिसमें न्यूमेरिक फंक्शन ए आर को उसकी पिछली टर्म्स यानी कि ar-1 ar-2 आदि के फॉर्म में डिफाइन किया गया हो, जहां r > r0 जबकि r0 कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जो बेस वैल्यू को दिखाने के लिए प्रयोग किया गया हो। सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन, यदि ar एक न्यूमेरिक फंक्शन हो तथा ar के टर्म में एक रिकरेंस रिलेशन डिफाइन किया गया हो, रिकरेंस रिलेशन के सॉल्यूशन का अर्थ हमें एक ऐसा फॉर्मूला आर के फॉर्म में निकालना है जो कि रिकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। सामान्यतः हमारे पास रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने की दो विधियां हैं, पहली इटरेटिव मेथड, दूसरी रिकर्सिव मेथड। पहले हम इटरेटिव मेथड देखते हैं। इटरेटिव मेथड में हम बेस वैल्यू से प्रारंभ करते हुए आगे की टर्म्स कैलकुलेट करते जाते हैं तथा तब तक सीक्वेंस चेक करते हैं जब तक हमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं मिल जाता। पैटर्न के आधार पर हम फॉर्मूला का अनुमान लगाते हैं तथा इस फॉर्मूले की वैधता को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सिद्ध किया जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर ar=2ar-1 for r > 1 के लिए है तथा a0=1 है। यदि हम a0, a1, a2 इसी तरह आगे वैल्यूज निकालते हुए जाएं तो हम पाते हैं कि ar=2 raised to power r। अब हम इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। यहां पर पहले हमने बेस वैल्यू r=0 के लिए प्रूव किया है, फिर इंडक्टिव स्टेप प्रूव किया है। रिकर्सिव मेथड, इस विधि में दिए गए फंक्शन को बार बार घटाते हुए क्रम में प्रयोग किया जाता है जब तक कि हम बेस वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते। पुनः उसी एग्जाम्पल को देखते हैं। यहां पर ar=2 2+ar-1 से प्रारंभ करते हुए ar-1 को फिर से हमने 2+ar-2 लिखा और इसी तरह घटते हुए क्रम में हम तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक हम a0 तक नहीं पहुंच गए। a0=1 रखने पर हम पाते हैं कि ar=2 raised to power r। रिकरेंस रिलेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में यदि हम देखें तो न्यूमेरिक फंक्शन ar को हम ar-1 ar-2 up to ar-k तथा r वेरिएबल्स के फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से लिखे गए रिकरेंस रिलेशन को जहां ar पुरानी के टर्म्स पर डिपेंड कर रहा हो का ऑर्डर के कहलाता है। यदि ए आर सभी पुरानी टर्म्स पर डिपेंड कर रहा हो तो ऑर्डर डिफाइन नहीं होता। उदाहरण में देखें, पहली का ऑर्डर 2, दूसरी का ऑर्डर 1 तथा तीसरी का ऑर्डर 2 है। यदि ar-1 ar-2 ar-k को वेरिएबल समझते हुए तथा रिकरेंस रिलेशन को इन वेरिएबल्स का एक पॉलिनोमियल समझते हुए पॉलिनोमियल की डिग्री रिकरेंस रिलेशन की डिग्री
होगी। डिग्री का अर्थ यहां पर किसी वेरिएबल की अधिकतम पावर से है। उदाहरण में देखें तो पहले की डिग्री 1, दूसरे की डिग्री 1 तथा थर्ड की डिग्री 2 है। लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कॉस्ट एंड कोफिशिएंट। यदि दिखाई गई फॉर्म में रिकरेंस रिलेशन हो तो वह लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कॉस्ट एंड कोफिशिएंट कहलाता है। यहां इसकी डिग्री 1 है अतः लीनियर है तथा सभी वेरिएबल्स AR-1, AR-2 आदि के कोफिशिएंट कॉन्स्टेंट हैं। लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कॉस्ट एंड कोफिशिएंट होमोजीनियस कहलाता है यदि FR=0 हो, अन्यथा यह नॉन होमोजीनियस कहलाता है। इन रिकरेंस रिलेशंस का सॉल्यूशन दो पार्ट्स में निकालते हैं, पहला होमोजीनियस सॉल्यूशन तथा दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन इन दोनों का योग होगा। पहले होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन लेते हैं। दिए गए रिकरेंस रिलेशन के लिए इक्वेशन x रेज पावर k माइनस c1 x रेज पावर k माइनस 1 माइनस अप टू माइनस ck इक्वल टू 0, यह इक्वेशन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। यहां पर हर एक वेरिएबल ar, ar-1 अप टू so on को हमने x से रिप्लेस कर दिया तथा सबस्क्रिप्ट में r को k से रिप्लेस करते हुए जो भी नई सबस्क्रिप्ट बनी उसे x की पावर के फॉर्म में लिखा। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को करेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। यदि k अलग अलग रूट्स हों तो होमोजीनियस सॉल्यूशन दिखाई गई फॉर्म में लिखा जाएगा, जहां b1, b2 अप टू bk कॉन्स्टेंट्स हैं। एक उदाहरण लें, दिखाए गए रिकरेंस रिलेशन की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन x2 प्लस x-2 इक्वल टू 0 है तथा रूट्स 1, -2 हैं, अतः होमोजीनियस सॉल्यूशन c1 प्लस c2 -2 रेज पावर r होगा। यदि कुछ रूट्स रिपीट हो रहे हो तो हर एक रिपीटेड रूट, माना कि xp m बार रिपीट हो रहा हो, तो xp रेज पावर r का कोफिशिएंट m-1 डिग्री का r के फॉर्म में एक पॉलिनोमियल होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन के सॉल्यूशन के लिए पहले FR=0 मानते हुए होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर FR के आधार पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन की फॉर्म मानते हुए उस फॉर्म को वापस रिकरेंस रिलेशन में रखकर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज निकालते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि दिए गए रिकरेंस रिलेशन के लिए FR एक पॉलिनोमियल तथा बीटा रेज पावर आर का प्रोडक्ट है। प्रथम केस, जब बीटा करेक्टरिस्टिक रूट नहीं हो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की फॉर्म समान डिग्री का एक पॉलिनोमियल तथा बीटा रेज पावर आर का प्रोडक्ट होगा, जहां कॉन्स्टेंट्स डीआईज हमें निकालने हैं। दूसरा केस, जब बीटा एक करेक्टरिस्टिक रूट है जो कि एम बार रिपीट हो रहा हो, तो पूर्व के अतिरिक्त हम आर रेज पावर एम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। उदाहरण लेते हैं, यहां पर करेक्टरिस्टिक रूट्स 1, -2 हैं, जिसका होमोजीनियस सॉल्यूशन c1 प्लस c2 -2 रेज पावर r है, क्योंकि FR=6 दिया गया है जो कि 6×1 रेज पावर r की फॉर्म का है। यहां पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट है तथा β=1, क्योंकि बीटा एक करेक्टरिस्टिक रूट है अतः पर्टिकुलर सॉल्यूशन की फॉर्म r×d रेज पावर r अर्थात r×d होगी। यहां पर d एक कांस्टेंट है। d का मान निकालने के लिए AR=R×d, AR-1=R-1×d, AR-2=R-2×d, ये वैल्यूज जब हम रिकरेंस रिलेशन पर रखते हैं तो हमें d=2 प्राप्त होता है, अतः पर्टिकुलर सॉल्यूशन 2r होगा। होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ऐड करने पर हमें टोटल सॉल्यूशन प्राप्त होता है AR=C1 प्लस C2 माइनस 2 रेज पावर r प्लस 2r। दूसरा एग्जांपल है तो यहां FR=2 रेज पावर r है। करेक्टरिस्टिक रूट्स 1, -3 है, क्योंकि 2 करेक्टरिस्टिक रूट नहीं है
अतः पर्टिकुलर सॉल्यूशन की फॉर्म b इंटू टू रेज पावर आर होगी। पूर्व की तरह सॉल्यूशन करने पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन 4/5 इंटू टू रेज पावर आर मिलता है। अतः टोटल सॉल्यूशन c1 प्लस c2 माइनस 3 रेज पावर आर प्लस 4/5 टू रेज पावर आर होगा। इस लेक्चर में हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के दोनों फॉर्म्स रिकरेंस रिलेशन तथा रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के तरीके सीखे। अगले लेक्चर में हम पोसेट एंड लैटिसेस सीखेंगे। धन्यवाद।